हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड के, जिसका नेम है टूल ज्योमेट्री। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसमें पढ़ेंगे अंदर। ठीक है, एक्चुअली कोई भी टूल होता है कटिंग टूल, वो वन या फिर मोर देन वन कटिंग एजेस रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये किस टाइप का टूल है। ठीक है, अगर कोई टूल है जिसमें सिंगल कटिंग एज है, इसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। ठीक है, और कोई कोई अगर ऐसा कटिंग टूल है जिसमें मल्टीपल कटिंग एजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे मोर देन वन कटिंग एज हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मेन मेन क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में वो एक कटिंग एज होती है या एक सिंगल पॉइंट होता है जो कि वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आता है, जिसकी वजह से कटिंग होती है। जैसे सपोज ये कोई वर्क पीस है, ठीक है, अगर ये कटिंग टूल है जिसका एक पॉइंट केवल कॉन्टैक्ट में आ रहा है वर्क पीस के, जिसकी वजह से कटिंग हो रही है, तो ये इसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं फिगर में, ये लेथ मशीन है, लेथ मशीन का चक है जिसमें हमारा वर्क पीस होल्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये टूल पोस्ट है जिसमें हमारा कटिंग टूल है। ठीक है, कटिंग टूल होल्ड करा हुआ है और ये कटिंग टूल वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शन एंड प्रेशर की वजह से, और जो कटिंग टूल है काफ़ी शार्प है, इस वजह से यहाँ पर कटिंग एक्शन हो रहा है। ठीक है, और कटिंग एक्शन हो रहा है जिसमें जो हमारा मेटेरियल रूम हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ चिप हो रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट में आ रहा है वर्क पीस के, जिसकी वजह से कटिंग हो रही है, तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, ये देख रहे हैं जैसे कि, अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो टर्निंग टूल जो होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, शेपिंग जो शेपर मशीन में यूज़ होता है टूल वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, प्लेनिंग मशीन में, स्लॉटर में एंड बोरिंग में जो टूल्स यूज़ होते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको ग्राइंडिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसको अगर हमें शार्प करना हो या फिर प्रिपेयर करना हो तो ये ग्राइंडर है। ठीक है, ग्राइंडर की हेल्प से करते हैं इसमें। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है, लो मेटेरियल रिमूवल रेट मिलता है, मीन्स मेटेरियल रिमूवल रेट इसका थोड़ा लो होता है, क्योंकि इसमें सिंगल पॉइंट से कटिंग हो रही है। ठीक है, कहीं अगर बहुत सारे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, हो जाता है, तो वो ज़्यादा स्पीड में कटिंग करेगा, ज़्यादा मेटेरियल रिमूव करेगा, बट यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है, इसकी वजह से जो मेटेरियल रिमूवल रेट होता है वो लो होता है थोड़ा सा। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी इसलिए लो मिलती है क्योंकि मेटेरियल रिमूवल रेट जब लो रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो जाएगी, थोड़ा काम जो है स्लो होगा। ठीक है, इसकी डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन मीन्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग रहेगी या फिर जो इसकी फैब्रिकेशन होगा, इसकी डिज़ाइन जो होगी वो थोड़ी सिंपल रहती है। सिंपल सी बात है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जस्ट एक ब्लॉक रहता है, ठीक है, एक मेटल का, उसको थोड़ा सा कटिंग करके, ग्राइंडिंग करके हम उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बना लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें क्या है, ये इसकी कॉस्ट जो होती है काफ़ी कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से कटिंग हो रही थी, यही मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या होगा, मल्टी पॉइंट्स रहेंगे। जैसे ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या था, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में आ रहा था वर्क पीस के, जिसकी वजह से कटिंग हो रही थी। अब देखो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में क्या होगा, इसमें जो कटर होगा या फिर जो टूल होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, मल्टी पॉइंट्स होंगे, बहुत मोर देन वन पॉइंट होंगे इसमें। ठीक है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कंटेन मोर देन वन इवन अप टू 100 कटिंग एजेस इन द कटर। ठीक है, मीन्स मोर देन वन उसमें कटिंग एज होंगे और अप टू 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए शॉ है, ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं इसके जो टीथ हैं ये कटिंग एजेस हैं या फिर कटिंग पॉइंट हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कटिंग पॉइंट हैं, इसलिए हम इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। ये आपका मिलिंग कटर है जिसमें बहुत सारे ये कटिंग पॉइंट्स देख सकते हैं, ये आप कटिंग एजेस हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कटिंग एजेस हैं जिसकी वजह से मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है, तो इसको भी हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। ये आपकी शॉ है, ठीक है, ये भी रोटेशनल वाली शॉ है ये, तो इसमें भी मल्टी पॉइंट्स कटिंग टूल हैं। ठीक है, और जो ड्रिलिंग बिट होता है ये ड्रिलिंग मशीन है, इसमें ये ड्रिल बिट है जो कि होल कर रहा है एक ब्लॉक में। ठीक है, तो ड्रिल में ये, इसको भी हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ही बोलते हैं। अब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है, जो इसके एग्जाम्पल्स में मिलिंग कटर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये है मिलिंग कटर आ जाएगा, ड्रिल्स आ जाएंगे, ठीक है, रिमर्स होते हैं या फिर शॉ वगैरह जो है, शॉ जैसे कि ये है आरी, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में आ जाते हैं। ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल
में क्या होता है, जो मेटल रिमूवल रेट जो होता है, मेटेरियल जो रिमूव होता है एक्सेस मटेरियल, ठीक है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, वो हाई होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं कटिंग के लिए, ठीक है, सिंगल पॉइंट में केवल एक पॉइंट हो रहा था कटिंग के लिए, तो यहाँ पर मेटेरियल ज़्यादा रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स कटिंग करेंगे और ज़्यादा स्पीड में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मेटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगा। वहीं इसकी डिज़ाइन जो रहती है और फैब्रिकेशन इसकी जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, एक सिंपल सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस टाइप का बनाना है, ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम कट करके ग्राइंड करके बहुत ही इजीली और सिंपल वे में बन जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर अगर हमें ये आप देख सकते हैं मिलिंग कटर जो है, इसको अगर हमें बनाना होगा तो काफ़ी इसकी डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है और फैब्रिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और टाइम टेकन होती है, ठीक है, और इसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डिज़ाइन वगैरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा कॉस्टलियर हो जाता है, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और इसमें प्रोडक्टिविटी हमें हाई देखने को मिलती है क्योंकि हमारा मेटेरियल रिमूवल रेट हाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टूल ज्योमेट्री पढ़ेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिसको ध्यान से सुनना और जो कि आगे टूल ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने ये स्लाइड आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो है वर्क पीस है, ठीक है, ये चिप रिमूव हो रही है और ये जो है कटिंग टूल है, ओके। अब इस कटिंग टूल में, इस कटिंग टूल में ये वाला जो मैंने फेस बताया था, इसका ये वाला जो फेस है इसको हम रेक फेस बोलते हैं, और इसमें ये वाला जो फेस होता है इसका, इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, कटिंग टूल का ये वाला जो फेस है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है। अब जो रेक फेस है ये वाला, दिस वन इज़ रेक फेस, ठीक है, यहाँ रेक फेस पे अगर टूल की टिप पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है, ठीक, परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन है इसके बीच में और ये रेक फेस के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम रेक एंगल बोलते हैं, ओके, रेक एंगल बोलते हैं। और वहीं अगर हम ये जो फ्लैंक फेस है इसका, ये कटिंग टूल का, और ये मशीन्ड सरफेस है, मींस इसकी मशीनिंग हो चुकी है इस सरफेस की, ठीक है, तो इसके बीच का अगर हम एंगल देखते हैं तो इसको हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है आपका, ये अनमशीन्ड सरफेस है, मींस इसकी अभी मशीनिंग हुई नहीं है, कटिंग टूल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो इसकी मशीनिंग भी होगी, और ये जो है इतना जो इस पोर्शन की मशीनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये मशीन्ड सरफेस है, ओके। ये चिप है जो कि रिमूव हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कटिंग टूल एंड द वर्क पीस, ठीक है। तो अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फिगर है, ठीक है, ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट हो या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो, इसके अगर मटेरियल्स की बात करूँ कि किस मटेरियल्स के ये बने हो सकते हैं, तो हाई स्पीड स्टील के बने हो सकते हैं, ठीक है, हाई कार्बन स्टील के बने हो सकते हैं, सिरामिक्स के बने हो सकते हैं, डायमंड के बने हो सकते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड के बने सकते हैं, या फिर CVN के बने हो सकते हैं, क्यूबिक कार्बन नाइट्राइट, ठीक है, इसके बने होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ वर्कशॉप में आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ जो कटिंग टूल यूज़ हो रहा था वर्कशॉप में, वो कौन सा था, हाई स्पीड स्टील का था, और जो हम वर्क पीस जो यूज़ कर रहे थे लेथ मशीन पे, वो माइल्ड स्टील का था, ओके। तो अगर अब मैं बात करूँगा टूल ज्योमेट्री की बात करता हूँ, तो हम आते हैं इस फिगर पे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जिसमें ये इसका ये वाला जो पार्ट होता है पूरा, इसको हम शैंक बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है हम इसको फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा वो शैंक हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो फ्लैंक हो जाएगा। अब शैंक का क्या यूज़ रहता है, शैंक का यूज़ होता है कि ये केवल होल्डिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि, और जो फ्लैंक पोर्शन जो होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम कटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ओके, और जो शैंक होता है इसको होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, जो लेथ मशीन होती है हमारी, उसमें टूल पोस्ट होता है, ठीक है, टूल पोस्ट में हम इस शैंक को होल्ड कर देते हैं, टूल पोस्ट में इसको टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा एक टाइटली वहाँ पे होल्ड रहता है, और ये जो फ्लैंक पोर्शन है, फ्लैंक वाला जो पोर्शन है, ये कटिंग एक्शन करता है, ठीक है। तो आप आई थिंक शैंक एंड फ्लैंक का यूज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो होता है, ये जो है फेस होता है इसका, ये पूरा फेस होता है इस टूल का, ये फेस क्या होता है, जैसे कि ये वर्क पीस है, सपोज़ ये वर्क पीस है, ठीक है, अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, ये रोटेट हो रही है, तो यहाँ से अगर वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आएगी, ठीक है, और यहाँ पे इससे चिप रिमूव होगी, तो ये फेस से चिप ऐसे होते हुए निकलेगी, ठीक है, फेस से चिप ऐसे होते हुए निकलेगी, ठीक है, तो ये इसका फेस है, ठीक है। और जो इसमें जो ये इसकी नोज़ रेडियस होती है, नोज़ रेडियस क्या होता है, जहाँ पर ये इसकी
एंड कटिंग एज होती है, ये साइड कटिंग एज होती है, ठीक है। कटिंग एज मीन्स जो कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एंड कटिंग एज होती है और ये साइड कटिंग एज होती है, जो कि जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, एक नोज़ बनता है। इस पोर्शन को हम नोज़ बोलते हैं, ठीक है। ये नोज़ हो जाती है इस कटिंग टूल की। और अगर मैं बात करता हूँ, सपोज़ यहाँ पर अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, कंसिडर करता हूँ मैं यहाँ पर, अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, सपोज़ लेथ मशीन पे ही हम टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं और ये वर्क पीस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अगर इसको व्यू करता हूँ, ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है, ये इसका साइड व्यू हो जाएगा और ये वाला जो होगा इसका टॉप व्यू हो जाएगा। तो हम इसके एंगल्स के बारे में और इसके ज्योमेट्री के बारे में हम व्यूज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे एंड साइड व्यू देखेंगे, वहाँ पे हम इसके सारे एंगल्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जब हम इसके व्यूज़ देखेंगे सारे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, तो वहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंगल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये शैंक जो होता है, शैंक का यूज क्या बताया था मैंने, शैंक का यूज आपको बताया था, ये होल्डिंग के पर्पस में यूज होता है, ठीक है। जो इसको हम होल्ड कर देते हैं टूल पोस्ट में, जहाँ पे ये होल्ड रहता है, और ये शैंक जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये कटिंग एक्शन में यूज होता है। सॉरी, ये शैंक नहीं, ये फ्लैंक है, ओके। और ये शैंक ये वाला है, पीछे वाला पोर्शन है, जो कि होल्ड हो जाता है इसमें टूल पोस्ट में, ठीक है। वहीं इसका फेस के लिए मैंने बताया था, ये फेस है, फेस जो होता है यहाँ पे, द टॉप सरफेस टूल ऑन विच चिप्स पासिस आफ्टर कटिंग इज नोन एज फेस, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एडजेसेंट ऑफ कटिंग एजेस, ठीक है। ये कटिंग एज होती है हमारी, ठीक है, ये एंड कटिंग एज है, ये साइड कटिंग एज है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जहाँ पर हमारी चिप जो होती है यहाँ से पास होती है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कोई वर्क पीस है, तो यहाँ से जब कटिंग होती है तो ये चिप इस तरीके से पास होती है, यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। और वही नोज़ मैंने क्या बताया था, नोज़ द पॉइंट वेयर बोथ कटिंग एजेस मीट, नोन एज कटिंग पॉइंट और नोज़, ठीक है। यहाँ पर जो एंड कटिंग एज है हमारी ये वाली, और ये साइड कटिंग एज है, जहाँ पर ये दोनों एजेस मिलते हैं उस पॉइंट को हम नोज़ बोलते हैं, ओके। अब हम इसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम इसके व्यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका टॉप व्यू के बारे में बात करूं, ठीक है, ये इसके सारे व्यूज़ हैं, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो अगर फ्रंट व्यू की बात मैं करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने फिगर में, तो फ्रंट व्यू अगर मैं इस साइड से इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इस साइड से व्यू कर रहे हैं हम, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो कुछ इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू आएगा अगर हम इस साइड से देख रहे हैं इसको, ठीक है। सपोज यहाँ से हम इसको बीच में से कट करते हैं, तो ऐसे कैसा इसका क्या फ्रंट व्यू होगा, वो इस तरीके से आएगा, ओके। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम रेक फेस बोलेंगे, ठीक है, ये रेक फेस होता है, ठीक है। और ये जो अगर यहाँ से टिप से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बैक रेक एंगल, ओके। और इधर ये फ्लैंक है, ठीक है, ये फ्लैंक है, और इसको ये यहाँ पर इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एंड रिलीफ एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये एक यहाँ से टिप से एक वर्टिकल लाइन खींची है इसके बेस के लिए टूल के, अगर मैं इसके साइड व्यू की बात करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। साइड व्यू अगर मैं इस डायरेक्शन से देखता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा साइड व्यू में, ये इसका रेक फेस है, ठीक है, और ये क्या है, ये साइड फ्लैंक है, ठीक है, ये साइड फ्लैंक है, और इसमें ये वाला जो था वो एंड फ्लैंक था, ये एंड फ्लैंक के बीच में, और जो यहाँ से हमने एक नॉर्मल लाइन डाली है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बना था उसको हम एंड रिलीफ एंगल बोल रहे थे, अब ठीक है। अब यहाँ पर जो है रेक फेस के बीच में, ये रेक फेस है इसका, ठीक है, और यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ये टिप से टूल की, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, साइड रेक एंगल होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये साइड फ्लैंक है हमारा, ठीक है, यहाँ साइड फ्लैंक है, और साइड फ्लैंक के बीच में और इसमें यहाँ से एक हमने वर्टिकल लाइन खींची है टूल के बेस के लिए, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, साइड रिलीफ एंगल हो जाएगा, ओके। और वहीं अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ टॉप व्यू की, तो ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू में ये इसका रेक फेस होगा, ये वाला जो फेस है इसका, ये रेक फेस है, अभी दिस वन इज़ रेक फेस, एंड रेक फेस के बीच में और
अगर इस यहाँ से मैं एक इस तरीके से लाइन खींचता हूँ तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एंड कटिंग एज एंगल हो जाएगा, ठीक है। और जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये एंड कटिंग एंगल के बीच में, एंड सॉरी यहाँ पर जो है ये एंगल बनेगा, ये साइड कटिंग एंगल होगा, ठीक है, ये साइड कटिंग एंगल होगा, ये साइड कटिंग एंगल होगा, ये किसके बीच में होगा, ये साइड कटिंग एज के बीच में होगा, ये साइड कटिंग, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये साइड कटिंग एज के बीच में होगा, और ये शैंक का जो एज है इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसको हम साइड कटिंग एज एंगल बोलेंगे। ओके, तो जैसे कि आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर किस बहुत सारे एंगल्स के बारे में हमने देखा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था क्लीयरेंस एंगल, ठीक है। तो ये क्लीयरेंस एंगल क्या होता है, जैसे कि सपोज़ ये कोई वर्क पीस है, ठीक है, और यहाँ पर ये कटिंग टूल है, ठीक है, ये कटिंग टूल है, तो ये मशीन सरफेस है, इधर इसकी मशीनिंग हो चुकी है, ये मशीनिंग करते हुए आगे जा रहा है, और ये चिप रिमूव हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका जो ये वाला फेस होता था इसको हम क्या बोलते थे, फ्लैंक बोलते थे, ठीक है, और ये इस फेस को हम टूल के क्या बोलते थे, रेक फेस बोलते थे, ठीक है। तो अब जो है, अब ये फ्लैंक के बीच में और जो मशीन सरफेस है इसके बीच में जो एंगल बनता था हम उसको क्लियरेंस एंगल बोलते थे, ठीक है। अब इस क्लियरेंस एंगल का क्या यूज़ होता था, ये क्लियरेंस एंगल का यूज़ ये होता था, ये इस टूल को अगर जैसे क्लियरेंस एंगल अगर हमारा बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो फ्लैंक फेस है इस टूल का ये इस वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा जो कि मशीन हो चुकी है, और जब ये इसके वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा जो कि मशीन हो चुकी है तो क्या होगा, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन देखने को लगेगा जिसकी वजह से हमें स्क्रैचेस आ जाएंगे हमारे वर्क पीस पे जो कि मशीन ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमें वहाँ पर सर्फेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्लियरेंस एंगल को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो कि यहाँ पर रविंग ना हो इसके बीच में, इसके फ्लैंक के बीच में और मशीन सर्फेस के बीच में, ओके, ठीक है। तो रबिंग मेनली जो है रबिंग से बचाने के लिए हम यहाँ पे एक क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी क्लियरेंस एंगल हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए इसकी एक सर्टेन लिमिट रहती है, 5 to 6 degree का हमें क्लियरेंस एंगल जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर क्लियरेंस एंगल में हमने देखे थे अभी साइड, अच्छा क्लियरेंस एंगल को हम रिलीफ एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमने साइड रिलीफ एंगल भी देखा था, और उसके व्यूज़ में, टॉप व्यूज़ में, फ्रंट व्यू में एंड साइड व्यू में, तो उसमें हमने सारे एंगल देखे थे, साइड रिलीफ एंगल देखा था, एंड रिलीफ एंगल देखा था, बैक रैक एंगल देखा था, ऐसे सारे एंगल देखे थे हमने, तो ठीक है, उसमें ये सारे एंगल हैं, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूँ, ये रेक एंगल, तो रेक एंगल क्या होता है, रेक एंगल जैसे कि मैंने बताया था, अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, ये अगर वर्क पीस है, ठीक है, ये अगर कटिंग टूल है तो इसका ये रेक फेस होता है, ठीक है, और यहाँ पर अगर एक वर्टिकल लाइन डालूँ मैं, ठीक है, इस मशीनिंग की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मशीन हो रही है या फिर टूल की टिप पे बोलें, तो इसके बीच में जो ये एंगल बनता था इसको हम रेक एंगल बोलते थे, ठीक है, ये रेक फेस है, रेक फेस के बीच में और ये वर्टिकल जो लाइन डाली है, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बनता था उसको हम क्या बोलते थे, रेक एंगल बोलते थे। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल कॉल्ड द रेक फेस एंड द नॉर्मल टू द मशीनिंग डायरेक्शन, ओके। हायर द रेक एंगल वेटर इज द कटिंग एंड लेस इज द फोर्स। अगर हमारा रेक एंगल हाई रहेगा तो यहाँ पर हमें कटिंग वेटर मिलेगी और कटिंग फोर्सेस हमारे लेस लगेंगे, बट हमें उसकी भी एक सर्टेन लिमिट रहती है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं कर सकते हैं उसके लिए, तो क्या रहता है, उसकी एक लिमिट होती है जिसको हम 15 degree तक यूज़ कर सकते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेक एंगल इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 degree फॉर हाई स्पीड स्टील टूल और टूल कटिंग माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील का वर्क पीस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू हैव रेक एंगल, मीन्स रेक एंगल हमारे जीरो और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि ये अगर अगर जैसे कि ये अगर वर्क पीस है, ठीक है, इस तरीके से, और ये यहाँ पर ये अगर ये कटिंग टूल है, ठीक है, और ये हम एक नॉर्मल लाइन डाल लेंगे टिप पर, ठीक है, और इसके बीच में जो गैप रहता है, कोई एंगल बनता है, तो हम इसको रेक एंगल बोलते हैं, और ये पॉजिटिव रेक एंगल होता है हमारा, ठीक है। अगर वहीं इनके बीच में कोई गैप ना रहे, ठीक है, इनके बीच में कोई गैप ना रहे, ये इसके ऊपर जस्ट आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो रेक एंगल बोलेंगे, और ठीक है, और अगर ये इस परपेंडिकुलर लाइन से अगर ये टूल इस तरीके से आगे निकल जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम इस फिगर में, ठीक है, तो
यहाँ पर अगर अभी मैं इसको देखूंगा तो ये बैक रैक एंगल है जो कि एक पॉजिटिव बैक रैक एंगल है, ठीक है। अगर मैं इसको इसको कम्प्लीटली ऐसे क्लोज कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा जीरो रैक एंगल हो जाएगा, और ये इसके इस तरीके से जब हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रैक एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये सब हम सारे एंगल्स जो हैं हम उसमें देख चुके हैं, आपको मैं ये PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप उसमें से देख के पढ़ लें। तो जैसे कि मैंने आपको ये सारे एंगल्स जो हैं उसमें समझा चुका हूँ, अभी जो वीडियो लेक्चर में चल रहा है उसमें जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू हमने पढ़े हैं उसमें, तो ये सारे एंगल्स आपको एक बार फिर से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं टूल नोमेनक्लेचर सिस्टम पे, ठीक है। एक्चुअली टू टाइप्स के टूल नोमेनक्लेचर सिस्टम होते हैं। तो नंबर वन है ASA सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है, सिस्टम। नेक्स्ट हमारा ऑर्थोगोनल सिस्टम और इंटरनेशनल ऑर्थोगोनल, ठीक है। ओ आर एस सिस्टम क्या होता है, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टूल डेजिग्नेशन और टूल सिग्नेचर ASA सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये इसका टूल सिग्नेचर रहता है अल्फा वी अल्फा एस लैम्डा ई लैम्डा एस शाई शाई एस एंड आर, ठीक है। यहाँ पर अल्फा वी क्या है, अल्फा वी बैक रैक एंगल है, अल्फा एस क्या है, साइड रैक एंगल है, देन एंड रिलीफ एंगल है, एंड रिलीफ एंगल को हम क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। शाई लैम्डा ई एंड रिलीफ एंगल है, लैम्डा एस साइड रिलीफ एंगल है। नेक्स्ट में शाई ई जो है एंड कटिंग एज एंगल है, और शाई एस जो है साइड कटिंग एज एंगल है, ठीक है। आर जो है नोज रेडियस है, ठीक है। तो सपोज अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, दिस वन इज वर्क पीस, दिस वन इज वर्क पीस, दिस वन इज वर्क पीस, और ये अगर कटिंग टूल है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है ये कटिंग टूल में और इस वर्क पीस के जो मशीन सर्फेस के बीच में जो एंगल बनता है ये शाई ई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो एंगल बनेगा, अगर इसकी एज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ पीछे की साइड में, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। ये साइड कटिंग एज एंगल हो जाएगा, साइड कटिंग एज एंगल हो जाएगा, और ये एंड कटिंग एज एंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टूल डेजिग्नेशन और टूल सिग्नेचर इन ORS सिस्टम। ORS सिस्टम में क्या होता है, ये है आई, नेक्स्ट है अल्फा, देन लैम्डा वन, देन शाई ई, देन सॉरी ये लैम्डा नहीं गामा है, ठीक है, गामा एंड गामा वन। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, ये आई है, ठीक है, जो कि डिनोट करता है इंक्लाइनेशन एंगल को, ये अल्फा है जो कि इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल रेक एंगल, देन ये गामा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल, एंड नेक्स्ट गामा वन है, इसको हम एंड रिलीफ एंगल बोलते हैं या एंड क्लियरेंस एंगल भी बोल सकते हैं हम इसको, और ये शाई ई है जिसको हम बोलते हैं एंड कटिंग एज एंगल, देन लैम्डा है जिसको हम अप्रोच एंगल और एंटरिंग एंगल और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में है आर, तो इसको हम नोज रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंटरिंग एंगल होता है ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये इसका एंटरिंग एंगल है जो कि लैम्डा शो कर रहा है कि किस एंगल से हमारा जो है कटिंग वर्क पीस है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, जो कि ये लैम्डा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये लैम्डा, ये एंटरिंग एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये कन्वर्जन बिटवीन ASA सिस्टम एंड ORS सिस्टम है, ठीक है, कन्वर्जन बिटवीन ASA सिस्टम एंड ORS सिस्टम। तो ये यहाँ पर फार्मूले दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 फार्मूले हैं, ये आप इसको देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, इन ORS सिस्टम द टूल एंगल्स आर इंक्लाइनेशन एंगल दे रखा है, इंक्लाइनेशन एंगल जो कि 0 डिग्री है, ठीक है, और ऑर्थोगोनल रेक एंगल है 10 डिग्री है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ठीक है, या फिर हम इसको अप्रोच एंगल भी बोलते हैं जो कि 75 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, बैक रैक एंगल फाइंड आउट करना है और साइड रैक एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक रैक एंगल फाइंड आउट करना है, तो जो ये ORS ये कन्वर्जन बिटवीन ASA सिस्टम एंड ORS सिस्टम है, यहाँ पे 4 फार्मूले हैं, इनसे इन यहाँ
यहाँ से ही हमें देखना है कि कौन से फॉर्मूले का हम यूज़ करके ये बैक रैक एंगल एंड साइड रैक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये फार्मूला को लिया है, टेन एल्फा वी इक्वल्स टू कॉस लेमडा टेन एल्फा प्लस साइन लेमडा टेन आई। ओके, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। फिर हमने ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके अल्फा वी यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, अल्फा वी ये 10 इधर चला जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से हमारी अल्फा वी की मींस बैक रैक एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.61 आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमें इसमें साइड रैक एंगल निकालना है। तो इसमें ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला यूज़ किया है, इसमें 10 अल्फा एस, 10 अल्फा एस इक्वल्स टू साइन लैम्डा 10 अल्फा माइनस कॉस लैम्डा 10 आई। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की एंड अल्फा की वैल्यू रख दिए, उसके बाद हमने फाइनली ये वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, ये हमारे साइड लैम्डा की वैल्यू, साइड रैक एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइड रैक एंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंक्लाइनेशन एंगल एंड ऑर्थोगोनल रैक एंगल। ठीक है, इंक्लाइनेशन एंगल और ऑर्थोगोनल रैक एंगल को हमें फाइंड आउट करना है गिवन साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल हमें जो दे रखा है, गिवन डेटा जो हमारा है, साइड रैक एंगल हमें ये 5 दे रखा है, माइनस 5 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, गिवन साइड रेक एंगल दे रखा है, माइनस 5 डिग्री दे रखा है, और बैक रेक एंगल दे रखा है माइनस 7 डिग्री। ठीक है, साइड कटिंग एज एंगल दे रखा है 15 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा वी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जिसको हम बैक रेक एंगल बोलते हैं वो कितनी है, माइनस 7 है। अल्फा एस जिसको हम साइड रेक एंगल बोलते हैं वो माइनस 5 है। ठीक है, और साई एस जिसको हम साइड कटिंग एस बोलते हैं वो 15 डिग्री है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फा क्या है हमारा, ऑर्थोगोनल रेक एंगल है, और आई क्या इंक्लाइनेशन एंगल है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है, सपोज, ठीक है, अगर यहाँ पे वर्क पीस है, यहाँ पे ये वर्क पीस पूरा लगा हुआ है, ये टूल है हमारा, ये वर्क पीस है। ठीक है, ये लैम्डा इसका एंट्रिंग एंगल है। ठीक है, ये लैम्डा इसका एंट्रिंग एंगल है। ठीक है, तो जब ये लैम्डा, ये ठीक मैं अलग से बना लेता हूँ उसको। ठीक है, सपोज ये है, ठीक है, ये है हमारा कटिंग टूल है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये वर्क पीस है ऊपर। ठीक है, ये वर्क पीस है, ये लैम्डा जो है एंट्रिंग एंगल है। ठीक है, तो जब ये लैम्डा है तो हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, वही हमने लैम्डा लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये जो है, हमारा ये साई एस है। ठीक है, साई एस है। ठीक है, साइड कटिंग एज एंगल है। ठीक है, जब ये वाला एंगल हमारा साई एस है तो ये वाला भी एंगल हमारा साई एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने साई एस लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट क्या हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जब कंप्लीट 90 डिग्री का है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 90 डिग्री इक्वल्स टू साई एस प्लस लैम्डा। ठीक है, तो अब लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 साई एस को अगर हम इधर इस डायरेक्शन में ले आएंगे तो ये 90 माइनस साई एस हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 और साई एस की वैल्यू 15 है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें हमने एक फार्मूला उठाया है। ठीक है, वहाँ से, ठीक है, ये कन्वर्जन से, ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला लिया हमने। तो टेन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन आई इक्वल्स टू टेन अल्फा वी साइन लैम्डा माइनस टेन अल्फा एस कॉस लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि 75 है। ठीक है, हमें अल्फा वी की और अल्फा एस की वैल्यू गिविन है, जो कि हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, फिर हमारी आई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमें ऑर्थोगोनल रेक एंगल फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा एस साइन लैम्डा प्लस टेन अल्फा वी कॉस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अल्फा की एंड अल्फा एस लैम्डा की। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 6.63 डिग्री। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ रिकॉर्डिंग में, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, उसके लिए सॉरी, थैंक यू।